आज का हमारा है पैकिंग व्लॉग डे टू, और डे टू में जो है ना मुझे अपना बैग रेडी करना है जिसमें मुझे सारा सामान लेके जाना है। तो जल्दी से जो है ना हम अपना बैग रेडी कर लेते हैं, और इधर सारे मेरे कपड़े और ये सारा मेरा सामान जो ले जाने वाला है ना वो सारा फैला पड़ा है। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। फर्स्ट मैं अपना ये वाला सूट रखूँगी, और सेकेंड ये वाला सूट। पता नहीं अभी मेरे कितने सूट बनने वाले हैं, आई हैव नॉट आइडिया, लेकिन कोई बात नहीं। और ये वाला जो है ना एक ये है और एक ये ड्रेस है। ठीक है जी, ये हो गए मेरे टोटल 3 ड्रेस। और इस बार जो है ना मैंने कुछ अलग सोचा है, मैंने अपने लिए एक जीन्स भी ली है। तो ये मेरी एक जीन्स है, ये वाली जो है ना शर्ट है, ये शर्ट अली जान की है। तो ये मैं अपनी जीन्स के साथ ही रख देती हूँ इसको इधर से करके। ठीक है जी, और इसके साथ जो है ना मेरी एक अदद ये बंद शू है, इसके ये वाले निकाल लेते हैं ताकि ये इजीली जाए। इसको हम रख देंगे इधर से, और ये भी इधर से ही आ जाए साइड से। चलें जी, ये आ गए। अब इसके अलावा जो है ना मुझे अपनी सारी दूसरी चीज़ें रखनी है, जैसे कि ये हो गया मेरा कंडीशनर, और ये हो गया मेरे शैम्पू। इसके बाद जो है ना बाकी कुछ सामान इस बैग में है, जैसे कि मैंने आपको पहले दिखाया था। ये भी इसको ऐसे रखते हैं इसमें बंद करके। तो एक सूट मेरा ये है, ये भी साथ जाएगा। एक सूट मेरा ये जो है ना मेरे सारे स्टालर हैं, 1, 2, 3 स्टालर मैंने रखे हैं इसमें। और मेरे कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए मुझे लगता है। एक मेरा ये ड्रेस है जो कि मैं उस दिन आपके सामने लेके आई थी, ये वाला ड्रेस, ये मुझे बहुत पसंद है। और ये इसके साथ का दूसरा ड्रेस, ये अभी दर्जन के पास पड़ा है, दर्जन से मैंने उठाना है। तो ये हो गई मेरी पैकिंग कंप्लीट, और देखते हैं कि अभी और इसमें क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, क्योंकि अभी मैंने जो है ना इसमें इस तरह का अपना ये वाला ट्राउज़र भी ऐड करना है इसमें, ये इधर से रख देते हैं। तो जी इतने सारे कपड़े हमारे, मुझे लगा था ये बैग से मेरे कपड़े कम होंगे, लेकिन बैग पूरा भर गया है, और अभी तक भी जो है ना कपड़े इनफ नहीं हो रहे, और भी कपड़े आ रहे हैं अभी। तो अल्हम्दुलिल्लाह से मेरी पैकिंग जो है ना डन हो चुकी है, और बैग जो है ना मेरा फुल भर गया है। बैग में अब कहीं से भी जगह नहीं बची कि इसमें थोड़ा सा भी और सामान आ सके। तो मैंने सोचा है कि इसका जो मीडियम वाला बैग है ना वो देखते हैं, कि ये बिल्कुल स्मॉल साइज़ है, जो मीडियम साइज़ है ना मैं सोच रही हूँ कि वो साथ में रख लूँ, क्योंकि साथ में जो है ना फिर बच्चे अगर साथ हों आपके तो आपको ज़्यादा सामान रखने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो इसलिए मैंने कुछ सोचा हुआ है, तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा मीडियम वाला ले लूँ। अब देखती हूँ इसमें सही आता है, इसमें तो ऐसे आया हुआ है मतलब कि सांस भी नहीं ले रहा। अभी मैं दूसरा जो है ना मीडियम वाला ले कर आती हूँ, उसमें डालती हूँ, फिर देखती हूँ कि कितनी स्पेस बचती है, क्योंकि हमें वो बैग चाहिए जिसमें स्पेस हो, जगह हो सामान आने की। ठीक है, तो ये बस हमारा जो है ना अभी पता नहीं कैसे रहने वाला है, और सामान पता नहीं जो मैंने डाला है वो ठीक है या हमें और भी ज़रूरत पड़ेगी सामान, अभी कुछ पता नहीं है। फ़िलहाल मैंने अपनी तरफ से जो है ना अपना काम कर दिया है, इसमें जितना मुझे सामान चाहिए था वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। तो ये हमारा जो है ना सफ़र के बैग की एडजस्टमेंट हो रही है कि कैसे होगा कैसे नहीं, और अभी मैं जाने लगी हूँ अंदर। मुझे मैं दिखाऊँगी तुम्हारे पापा को तुमने क्या शरारत की है। अब ना ये जल्दी से समेट रहा है कि मेरा पापा कहीं आके मुझे पकड़ के एक पैंटी ना लगा दे। इतना मासूम बन के कैसे कर रहा है ये सारा काम। तो अभी हम रवाना होने लगे हैं, और रामीन का दुपट्टा जो है ना बच्चों ने खराब कर दिया, और ये रो रही है अभी। आज की ताजा खबर, रामीन के ब्लैक कपड़े जो है ना इसको आज रियाना क्या कह रहे हैं, इसके ऊपर भारी आज इसको पहनने नहीं चाहिए थे। बेचारी दो बार अपना कमीज धो के आई है, बच्चों ने खराब कर दिया अब दुपट्टा, ऐसा खराब किया कि सही नहीं हो रहा है। बेचारी अब इसको धोएगी, तो बेचारी दुपट्टा धो के आई, फिर से बच्चों ने उठा लिया। चलो चलो चलो। तो अल्हम्दुलिल्लाह से अभी हम लोग जो है ना रवाना होने लगे हैं अपने सफ़र की तरफ, और मैंने जो है ना सारा अपना सामान उठा लिया है, हमने अपने लगेज ना ऊपर बांध लिए हैं इधर। माशाल्लाह से
अभी हमारा सफर जो है ना स्टार्ट हो रहा है भाई। सब लोग सफर की दुआ पढ़ लो, मैंने तो पढ़ ली है। आप सब ने पढ़ी है? हाँ, मूसा कह रहे हैं मैंने भी पढ़ी है। हाँ, तो इधर से जो है ना टायरों की हवा वगैरह चेक हो रही है और हम लोग दिन में जा रहे हैं ताकि वहाँ पे मुल्तान में थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे, थोड़ा एंजॉय करेंगे और फिर शाम में तो वैसे ही बंदा घर रुक जाता है, फिर अगले दिन ही कहीं निकलता है घूमने फिरने के लिए। इमरान भाई आज हमें एंटरटेन करेंगे। गुलाबी आँखें शराबी ये दिल हो गया, संभालो मुझको ओ मेरे यारा, संभलना मुश्किल हो गया। खत्म हो गया गाना, वाह खत्म हो गया। अच्छा जी, तेरा पर्स दिल में मेरे तस्वीर जैसे हो दीवार पे, मैं लुट गया मैं कहीं का ना रहा। भाई ये हमारे सिंगर ऐसे है ना जो मतलब के सारे गाने मिक्स करके गाएंगे, जैसे आजकल रिमिक्स सॉन्ग चलते हैं ना। yes. रिमिक्स सॉन्ग है, जहाँ से रिमिक्स सिंगर है। हाँ, इनको रिमिक्स करते रहेंगे। संभालो मुझको हो मेरे यारा, संभलना मुश्किल हो गया। पर ली रहे हैं तो निकल सोपा ये देखिए माशाल्लाह, ये हमारा ट्रैक है और पानी फुल आया हुआ है नहर में, देखें माशाल्लाह बहुत ज़्यादा पानी आया हुआ है और यहाँ पे मछुआरे भी आए बैठे होते हैं और ये फिशिंग भी करते हैं यहाँ पे ना, बहुत फिशिंग करते हैं यहाँ पे, इतनी बड़ी बड़ी फिशेज निकलती हैं, मछुआरे बैठे रहते हैं पूरा दिन के लिए ना, इस साइड पे भी और उस साइड पे भी। मैं नहीं रोऊंगी। अच्छा यहाँ पे भाई मुझे कह रहे हैं एक गाना मैं ऐसा सुनाऊंगा कि आप रो जाएंगी। भाई अगर मैं नहीं रोई तो, अगर मैं आपको रुला दूं तो? हाँ ये क्या बात है, आप बहन को रुलाएंगे थोड़ी देर के लिए, चिल तो मारेंगे। अच्छा चलो देखेंगे कि मुझे रोना आता है कि नहीं आता, अगर आएगा भी तो शेयर करूंगी, नहीं आया तो भी मैं बताऊंगी। तो भी शेयर करूंगी। हाँ तो भी शेयर करूंगी कि मुझे रोना बिल्कुल नहीं आया। अब मैंने रोना नहीं है क्योंकि इमरान भाई ने पहले बता दिया है कि आप रोएंगी। ये ना उस टाइम पे मुझे चूटी काट दे और मैं रो पड़ूं। अभी हम पहुंच चुके हैं जहर पीर और जहर पीर से हम सीधा जाएंगे सी पैक के रास्ते से, और दिन में सफ़र करने का अपना ही मज़ा है, सारे जो आसपास की जगह है बंदा वो भी एक्सप्लोर करता जाता है। फिलहाल यहाँ पे तो एक्सप्लोर करने वाला कुछ नहीं है, वैसे मैं बता रही हूँ आपको। ये बात सही है, इमरान भाई को पता है मेरे हस्बैंड के नाम पे मुझे इमोशनल ब्लैकमेल। बैठे बैठे ना मेरी गाड़ी खराब करने का काम। चलो भाई ये आ गए रेस्ट एरिया। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। और हमारी गाड़ी भी पता नहीं क्या हो गया, गाड़ी ख़राब हो गई है। तो भाई हमारा सफ़र पता नहीं आगे, अभी शुरुआत में ये सब कुछ हो रहा है, पता नहीं अब क्या होगा। यहाँ पे हम लोग पहले इसका पेट्रोल फुल करवा रहे हैं क्योंकि पेट्रोल हो चुका है एंड। तो ये हमारे जो है ना शीशे भी यहाँ पर सब क्लीन हो चुके हैं। यहाँ पर हम लोग उतरे हैं रेस्ट एरिया पर और यहाँ पर हम लोग गए हैं रेस्ट रूम। तो मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर जो रेस्ट रूम है ये इनका चार्ज कर रहे हैं, लेकिन इनके जो रेस्ट रूम है ना वो बहुत ही अंदर से ज़बरदस्त हैं। अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप जब सी पैक से नीचे रेस्ट एरिया के लिए उतरते हैं
तो आप इनके वॉशरूम ज़रूर जाइएगा। तो ये देखिए इनका प्रॉपर एक लोगो वगैरह लगा हुआ है और यहाँ पे इनका सिस्टम है, मतलब कार्ड लगा के ओपन कर सकते हैं आप और इसका चार्ज करते हैं अंदर से कुछ इस तरह। वह हट जाओ। तो अंदर से जो है ना इनका इतना कोई ज़बरदस्त वॉशरूम का सेटअप बना हुआ है, ये देखें बिल्कुल नीट एंड क्लीन। नहाने की जगह प्रॉपर अलग से है, वॉश बेसन, रेस्ट, और ये देखें यहाँ पे इतना कोई खूबसूरत इन्होंने रेस्ट रूम ये बनाया हुआ है ना VIP। तो इनका ये जो है ना 70 रुपीज़ जो लेते हैं ना वो क्या कहते हैं वर्थ है, इनको लेना चाहिए क्योंकि इतना इन्होंने सफाई का ख्याल रखा हुआ है, सब कुछ यहाँ पे रखा हुआ है और यहाँ पे इवन यहाँ पे AC भी लगे हुए हैं, तो ये बहुत ज़बरदस्त है। आप लोग भी अगर आए और आप लोगों का मसला यही रहता है कि रेस्ट रूम जो है ना साफ़ सुथरे नहीं है, तो आप इस जगह विज़िट करें और यहाँ पे ही उतरा करें। ये ऐसा मैं किसी को बता रही हूँ जो सफ़र करना शुरू कर रहे हैं और यही सोचते हैं कि रास्ते में रेस्ट रूम साफ़ नहीं होंगे। दोबारा मैं दिखा रही हूँ, रेस्ट एरिया उस तरफ होता है, ये पेट्रोल पंप है और पेट्रोल पंप के इस तरफ जो है ना ये रेस्ट रूम है। मोटरसाइकिल माशाल्लाह से ये सामने खड़े हैं सलमान भाई। तो हम पहुंच गए अपने हीरो के पास। अली मामू तंग तो नहीं किया था इसने, तंग तो नहीं किया था इसने, बहुत तंग किया था इसने, बहुत रात दिन तंग किया इसने है? नहीं नहीं बिरयानियों के लिए बिरयानी एक हफ्ता पूरा भी चावल नहीं बनेगा मेरे घर, जान छूटेगी तुम्हारी वजह से, तुम बहुत चावल खाते थे। मैंने कहा हमने बिरयानी, आप जा रहे हो इसी खुशी में बिरयानी बनता रहे, आपको नहीं खिलाएंगे हैं देखो। अजय ने सारे कपड़े बेचना थे, रुपी होते हुए लावा थे। चलें जी इधर सब मिलके खाना खाएंगे, इसके बाद इनका रास्ता अलग और हमारा रास्ता अलग, ठीक है? चलो ये आपने भी है आज हमें खाने दो, तुम इतने दिन तुमने खाया आज हमें खाने दो बस। ये वाला डब्बा मैं अपने ले, ये तो एक मेरा है, इसको तो कोई हाथ नहीं लगाएगा, वो सब मिलके खाएंगे। एक डब्बा आपका? नहीं नहीं मिलके खाएंगे, मजाक कर रही हूँ ऐसे थोड़ी, एक डब्बे से दिल भर जाएगा आपका, फुल पेट भर जाएगा, दिल भर जाएगा, मोशन लग जाएंगे, इससे अच्छे मिलजुल के खाते हैं इसको। चलो खाना खाएं, चलो मामू मम्मा के देखे दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, हमने कहा कि इधर ही बैठ के खाना खा ले फिर ये चले जाए। तो यहाँ पे एक बच्ची खड़ी थी, उसकी मम्मा खड़ी थी, हमने उनको दे दिया। हमारा खाना माशाल्लाह इतना था कि हमने मज़े से खा भी लिया और हमारा बच भी गया था। मज़ेदार है चाय भी, बहुत मज़ेदार है। तो इधर ने जो है ना सबने चाय पी ली और चाय इतनी मज़े की बनी हुई थी और सलमान भाई जो है ना बिरयानी भी इतनी मज़े की बना के लाए हैं ना कि ओए होए होए, कैसे अली मज़े की थी ना, वो ख़राब हो जाएगी ना बेटा रास्ते में। तो चाय और ये शाम का मंज़र माशाल्लाह इतनी खूबसूरत, यहाँ पे ये पूरी सीनरी है ना बहुत खूबसूरत, और यहाँ पे मेरा शहजादा भी बहुत खूबसूरत लग रहा है, मेरा हीरो। तो अभी ये लोग जा रहे हैं आगे और हम बस यही मुल्तान तक, और सलमान भाई जो है ना अपना हेलमेट पहन रहे हैं और रेडी हो रहे हैं।